हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम के अंदर आज हम सीखेंगे कि गोडाउन बनाने के क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा गोडाउन बनाने के फायदे, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गोडाउन कैसे बनाएं और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए टैली प्राइम को ओपन करते हैं और उसमें सीखते हैं कि गोडाउन कैसे बनाया जाए और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये एडिट लॉग वर्जन है, इसी को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक न्यू कंपनी हम बनाएंगे जिसमें कि हम गोडाउन बनाएंगे। अब गोडाउन बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। कंपनी हमारे पास है लेकिन हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ देखिए ये F3 दिया गया है, आप F3 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर क्रिएट कंपनी पर, ये नया फॉर्म ओपन हो जाता है। आपका डेटा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव रहता है, ये देखिए ये जो पाथ है यहाँ पर मेरे में यहाँ पर सेव है, आपके में यहाँ पर जो नाम आ रहा होगा वहीं पे आपका डेटा सेव हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, गोडाउन बनाना है हमें, तो उसके लिए एक कंपनी बनानी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कंपनी का नाम देता हूँ न्यू कंपनी ऑफ शॉप, न्यू कंपनी ऑफ शॉप नाम से एक कंपनी बना दी हमने और यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा। और एड्रेस डाल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेट चूज करना काफ़ी कंपलसरी होता है, तो स्टेट ज़रूर चूज कीजिएगा और एंटर 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 करके और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, हमारा काम 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है तो वो डेट को सेम ही रखा है हमने। और यहाँ से GST को इनेबल करेंगे हम, तो यहाँ से यस करेंगे और एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल से GST लागू हो रही है। यहाँ पर ये आपका GST IN नंबर आता है, तो आपका जो भी GST IN नंबर हो वो ज़रूर दे दीजिएगा। और यहाँ पर आप GST की डिटेल्स को अल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे HSN कोड डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल HSN कोड मैं नहीं डाल रहा, टैक्सेबल पर आते हैं। यहाँ पर टैक्स लगा देता हूँ 18% सारे सामानों पर बाई डिफॉल्ट टैक्स लगा दिया है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये TDS को भी हम अभी एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए ये जो TDS आ रहा है ये भी हम एक्टिवेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से यस कर दिया। यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 नंबर डाल दिया और यहाँ देखिए 10 नंबर यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, तो उसको हम डालेंगे यहाँ पे 10 नंबर। तो ऊपर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है हमने। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कर देते हैं और यहाँ पे ब्रांच DEORIA देवरिया कर देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आएगी, तो मिस्टर राज कर देते हैं, मिस्टर राज। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हो पूरा डिटेल आप भर दीजिएगा, सारा डिटेल भरते हुए आगे आ जाइए नीचे और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको भी नो रखना है और कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो ये हमारी कंपनी बनकर के तैयार हुई। कंपनी में कुछ फंड डाल देते हैं, कैसे फंड डालेंगे, तो यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और फंड चूंकि कंपनी में रिसीव होगा तो हम जाएंगे F6 प्रेस करके रिसीव्ड वाउचर में। तो F6 प्रेस किया, यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट किसे किया जाता है, कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। यहाँ पर TDS डिडक्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी इसको अभी रहने देते हैं, ऐसे ही रखते हैं TDS वाले ऑप्शन को। ये हो गया, अब यहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपनी में 5 लाख रुपए का फंड आ रहा है विथ कैश, सीधा कैश में इन्वेस्ट हो रहा है, ये इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो हमारे कंपनी में पर्याप्त फंड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ परचेजिंग करनी है, तो परचेजिंग करने के लिए स्टॉक आइटम बनाने होंगे, तो यहाँ से स्टॉक आइटम आप चाहे तो बना सकते हैं। और अभी हमको ये भी समझना है कि गोडाउन कैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स के अंदर गोडाउन ऑप्शन नजर आएगा। देखिए ये गोडाउन आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं नजर आ रहा हो तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कीजिएगा, सो इन एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए सीधा सीधा स्टॉक आइटम पे जाना है। देखिए 2 स्टॉक आइटम ऑलरेडी मैंने बना रखा है, टाटा का बेसन है और टाटा संपन्न पल्स है। ठीक है, तो ये क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर के यहाँ से आप बना सकते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे लिखता हूँ टाटा टी चाय है, तो यहाँ पे टाटा टी लिखा हमने, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। और यहाँ पर मैं किलो ही कर देता हूँ, KG मैंने बना रखा है। आपको अगर नहीं बनाना आता है तो यहाँ से क्रिएट पे चले जाइएगा और यहाँ पे सिंबल दे दीजिएगा KGS या कुछ भी ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे किलोग्राम लिखिएगा, नीचे UPC कोड आ जाएगा और नीचे यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 कर दीजिएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ से देखिए किलोग्राम तो मैंने बना ही रखा है, तो यहाँ टाटा टी करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ यहाँ पे किलोग्राम में ही रखेंगे हम इसे।
और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट सेट कर देते हैं कि 1 किलो की कीमत कितनी आएगी। तो 450 रुपये खरीद रेट है, बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने का, 500 का बेचेंगे, और यहाँ पे एमआरपी डाल देंगे, नीचे आएंगे तो देखिए ये जीएसटी के रेट को अल्टर भी कर सकते हैं आप यहाँ से जाके, और यहाँ पर इसको टैक्सेबल रखिएगा और यहाँ पे कर दीजिए 10%, तो ये 10% हो गया, ठीक है। और बाकी पे 5% लगाया हुआ है, यहाँ पर इसकी एमआरपी आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो यहाँ पर एमआरपी कर देते हैं 530 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया, तो इस तरीके से ये स्टॉक आइटम बन गया। तो कुल मिलाकर 3 स्टॉक आइटम हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम चलेंगे सीधा कहां, परचेज में, ठीक है। परचेज में चलते हैं तो वाउचर में चलेंगे, और परचेज में जाने के लिए F9 प्रेस करना है आपको, तो F9 प्रेस कर लीजिए यहां से, ठीक है। और ऑलरेडी हम परचेज में हैं, तो यहां से आएंगे और सप्लायर जो इनवॉइस नंबर देगा उस इनवॉइस नंबर को यहां पर डालिएगा, एंटर करिएगा। यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। अगर आपको क्रेडिटर पार्टी नहीं बनाना आता तो अल्ट सी कर लीजिएगा, और यहां पर देखिए एक क्रेडिटर पार्टी अलग से बना के दिखा देता हूं, रितेश सी कर देता हूं ताकि पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी, और ये ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप कर लीजिएगा। और यहां पर देखिए कह रहा है इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो टीडीएस डिडक्ट होगा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किया हमने, यहाँ पे यस किया, यहाँ पर एंटर 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 करेंगे, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पैन आईडी डालना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर पैन आईडी सही सही जरूर डाल दीजिएगा, और यहाँ पैन प्रोवाइड डिटेल्स, यहाँ पे सारी चीजें दे करके एंटर करिएगा, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर ये रिसिप्ट डिटेल है, तो इसको भी एंटर 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 कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपका GSTIN नंबर जो भी बनता हो, ठीक है, तो उसको डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये डाल दिया और एंटर किया, यहाँ पे परचेस का लेजर आ जाता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किसकी, टाटा टी की। तो यहाँ पे टाटा टी चाय पत्ती का नाम है, और यहाँ पर 430। अब देखिए गोडाउन आ गया ना, देखिए गोडाउन मैंने बना रखा था, तो वो गोडाउन, अब न्यू कॉलोनी गोडाउन के अंदर हम रखेंगे क्या, रखेंगे टाटा टी, ठीक है। कितनी क्वांटिटी रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे 200 किलो रखेंगे, बड़ी मात्रा में कारोबार होता है, तो ये 90,000 का हो गया, ठीक है। और किसी गोडाउन में रखेंगे, तो राघवनगर गोडाउन में रखेंगे, देखिए राघवनगर आ गया, तो राघवनगर में कितना रखेंगे, 700 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं भीखमपुर, एक और गोडाउन बनाया था, तो उसमें भी रख लेते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं 150 किलो, ठीक है। तो ये इस तरीके से रख लिया, एक ही सामान कई सारे गोडाउन में हमने रख लिया है, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी की बात आएगी, तो देखिए जीएसटी के लेजर हमने पहले से बना रखे हैं, कैसे बनेगा बता देता हूं। देखिए यहां से जाइएगा क्रिएट पर, क्रिएट पर जाने के बाद यहां लिखिएगा सी जीएसटी, ठीक है। चूंकि मैंने बना रखा है तो यहां पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसका नाम मैं बदल देता हूं, सेंट्रल कर देता हूं, सेंट्रल गुड्स टैक्स कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए केवल, ठीक है। CETRL लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखिएगा, ये जो ग्रुप है क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, यहाँ पे जीएसटी रहेगा, और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स कर लीजिएगा। इसी तरीके से इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और इसी तरीके से एक स्टेट टैक्स के लिए एसजीएसटी भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों ही मैंने पहले ही बना रखा है, तो यहाँ पे सीजीएसटी लगा देता हूँ, और फिर एंटर करते हैं, और फिर यहाँ पे एसजीएसटी भी लगा देता हूँ, तो ये एसजीएसटी लगा दिया। अब बाकी बचा एक टीडीएस का लेजर, तो यहाँ पे टीडीएस लगाया हमने, तो देखिए यहाँ पर 51,000 इसमें से टीडीएस कट गया है, क्योंकि हमने जब टीडीएस को एक्टिवेट किया था तो उस समय 2.5 लाख की लिमिट सेट की थी, और उस पर जो है 10% के हिसाब से टीडीएस कटना था, तो ये टीडीएस कट के आया हुआ है, देख सकते हैं। और ये गोडाउन बनाने का फायदा हमारा ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो हम गोडाउन बनाते हैं, तो हम पर्टिकुलर गोडाउन का नाम दे सकते हैं, वहां से हिसाब किताब रख सकते हैं कि वहां से कितना सामान निकला, कितना सामान बेच दिया, कितना खरीदा, ठीक है। तो कई सारे गोडाउन होते हैं, तो उसमें रखने की सुविधा होती है, इसलिए हम गोडाउन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट इसलिए क्योंकि उधार में बेची जा रही है, तो ये हो गया। अब इसका प्रिंट आउट देख लीजिए कैसा प्रिंट आउट आएगा आपका, तो ये आपका प्रिंट आउट है, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से दो बार डिप्रेस करके जा सकते हैं, और यहां से देख सकते हैं प्रिंट आउट, अल्ट पी करके एंटर कीजिएगा, आई बटन प्रेस कीजिएगा, ये लीजिए देख सकते हैं यहाँ पे टीडीएस भी आया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर।